नमस्कार पेन। तो आज हम इस एयरटेल के एक्टिव एयर फाइबर के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये इंस्टॉल करना है, किस तरीके से ये आपको यूज करना है और हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे एक बटन दिया होगा लाल कलर का, उसे दबाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, हम इसे जब खरीद के लेके आए थे, परचेज करके लेके आए थे, तब हमने खोल के देख लिया था और वहां जो परचेज उन्होंने भैया ने हमको दिया था, उन्होंने भी हमको ये दिखाया था टेस्ट करके, वहां पर हमने थोड़ा सा चेक किया था कि किस तरीके चल रहा है, उन्होंने हमको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया हुआ था। तो हम इसको जब खोलते हैं, तो जब इसके बारे में आप खोलोगे तो सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा, गाइड मिलेगी, जिसमें सारे इंट्रक्शन लिखे हुए हैं किस तरीके से आपको क्या करना है। और इसमें आपको एक ये चार्जर मिलता है इसका, और दूसरी बात आपको इसमें एक जो मिलता है ये है हमारा एयरटेल का एक्सट्रीम एयर फाइबर। तो इसकी सारी चीजें आपके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस यूजर मैनुअल के बारे में बताऊंगा और जो सारे यहाँ पे जो आपको जो पॉइंट दिख रहे होंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, जो भी इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं हर चीज का क्या मतलब है सब आपको बताऊंगा। और इधर बैक पैनल पर भी आपको ये सारी चीजें दिख रहे होंगे, सारे बटन दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब हम जो इसके इंडिकेटर है सारे यहाँ पर जो दे रखे हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो पीछे बैक पैनल पर भी दे रखे हैं इन चीजों के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक क्विक गाइड हम इसमें देखेंगे, इसमें सब चीजें इसके बारे में लिखी हुई हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर जो फ्रंट पैनल और रियर पैनल पर जो वहाँ पर जो बने हुए हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो, जो फ्रंट पैनल जो ये यहाँ पर जो है, यही इनकी चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि जो पहला जो वाला पॉइंट है ये सेलुलर डाटा का पॉइंट है, मतलब कि आपका नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको जो नेटवर्क आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो इस पर आपको इंडिकेट करेगा। यहाँ पे मतलब ये आपकी ग्रीन हो जाएगी तो मतलब आपका जो वाईफाई है वो ओपन एक्टिवेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ये WPS का बटन है, इसके बारे में बताऊँ कि ये किस लिए यूज होता है। ये आपका जो आप अपने लैपटॉप वगैरह से लैन वायर कनेक्ट करते हो उसके लिए यूज किया जाता है ये बटन। अब हम आते हैं आपके इसके रियर पैनल पर। आप रियर पैनल पर यहाँ देख सकते हो कई सारे पोर्ट आपको मिल जाते हैं, ये USB का है, ये ईथरनेट मतलब लैन वायर वगैरह के पोर्ट हैं। ये आपको एक रीसेट का बटन मिल जाता है यहाँ पे आपको, जिससे आपको ना अगर आपको रीसेट करना है, नहीं आपको जो इसमें नेट वगैरह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। ये आपको पावर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से फोन ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम चीज आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे जो दिखा रहा है USB पोर्ट है और यहाँ पे जो तीन दे रखे हैं, एक ये लैन वायर के पोर्ट हैं तीनों, एक ईथरनेट वैन सपोर्ट पोर्ट है, ये आपका रीसेट का बटन है, इसे क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हो। ये पावर का बटन है। यहाँ पे आप नीचे अगर आप इसके बैक में देखोगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है आपका एक सिम लगाने का टूल है। यहाँ पे आप इसमें सिम लगाओगे, सिम आपकी जो रहेगी वो पोस्ट पेड रहेगी। और इसके बारे में आप देख सकते हो, इसमें जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं आपकी यहाँ पे सारी चीजें आपकी। और अब इसके बारे में बताएंगे जो यहाँ पे जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पे लाइट के तौर पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है किस तरीके से कैसे क्या होता है। अगर आपकी जो ये लाइट है, साथ में आपको दिखा रहा हूँ ये वाले ये पॉइंट है आपका, तो इसमें अगर आपकी लाइट जो सॉलिड ब्लू आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम डार्क है, तो आपकी जो है 5G नेटवर्क कनेक्शन आएगा। अगर आपकी ब्लिंक कर रही है थोड़ा सा तो समझो आपका 4G कनेक्शन आएगा। वहीं अगर आपका रेड हो रहा है तो आपका जो है कि आपका जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, मतलब कोई IP एड्रेस वगैरह नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर आपकी फ्लैश कर रही है, मतलब डिम थोड़ी बंद चालू हो रही है, तो आपकी डिवाइस जो कि एक बूटिंग प्रोसेस में है, जो कि कनेक्शन कर रही है, इसको पूरा एक्टिवेट होने में आपको जो टाइम लगेगा 15 मिनट एटलीस्ट आपका जो है कनेक्शन करने में और नेटवर्क सर्च करने में आपको टाइम लगता है, उसका पूरा कम से कम 15 मिनट का टाइम लग जाएगा आपका। इस बार दूसरा जो ऑप्शन आता है सेलुलर नेटवर्क वाला, सेलुलर नेटवर्क में ऑप्शन आता है जिसमें भी आपको
दो तरह की लाइट दिखती है, सॉलिड ग्रीन और थोड़ी हल्की ग्रीन। अगर सॉलिड ग्रीन में आ रही है तो मतलब कि आपका पूरा प्रॉपर 5G तरीके से कनेक्शन प्रॉपर एग्जिट कर रहा है। अगर थोड़ी हल्का सा आ रहा है तो आपका जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है, और जो बिल्कुल ही ऑफ है तो मतलब आपका जो है उसमें इंटर कनेक्शन आ ही नहीं रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे वाईफाई का, ये आपका वाईफाई का साइन है। वाईफाई का मतलब आपका सॉलिड ग्रीन है तो वाईफाई आपका इनेबल है, अगर नहीं है तो वो इनेबल नहीं है। वहीं आपका बिलिंग कर रहा है, थोड़ा सा येलो साइन का आ रहा है, तो WPS है तो आपको पेयरिंग प्रोसेस में है। वहीं आपका सॉलिड अगर रेड आ रहा है तो आपका जो है नहीं कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। वहीं आपका जो ऑफ होता है तो पूरी तरह से डिसेबल है, मतलब बंद है आपका। उसके बाद आपको जो लैन बार जो सपोर्ट वगैरह आते हैं तो वो जो ग्रीन हो जाते हैं, उसका कनेक्शन हो जाता है। अगर पोर्ट ऑफ है तो आपका एक्टिवेट नहीं है। वहीं आपका जो ब्लैंक करता है इधर ये वाला, तो आपका क्या होगा कि जो दोनों का कनेक्शन रहता है वो डिसेबल हो चुका है। आपका लैपटॉप वगैरह से अगर कनेक्ट करते हो और इससे कनेक्ट करते हो तो आपका जो नेटवर्क स्लो हो चुका है, आपका जो ट्रांसमीटर डाटा जो रहता है वो स्लो हो चुका है आपका। वहीं आपका जो पावर वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे आप बंद चालू कर सकते हो डिवाइस को अपनी, यहाँ ये आप देख पाओगे, ये आपका जो है जो यहाँ पर कनेक्ट करना है डिवाइस को अपनी को, ये आपका वाईफाई है। वाईफाई जो यहाँ पर इसका QR कोड है, जिसे आप स्कैन करोगे तो अपनी डिवाइस को स्कैन करके आप आसानी से डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों अब हम ये बात करें कि आखिरकार ये एयरटेल एक्टिव एयर फाइबर होता क्या है। ये एक फिक्स वायरलेस एक्सेस सॉल्यूशन है, मतलब कि जैसा कि हम पहले जब TV चलती थी तो एक एंटीना हम यूज करते थे पहले छत पे, तो सेम वही चीज है। अब उसी तरीके से क्या होता है कि हम पहले क्या होता है नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसी तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे कि किस लोकेशन पे इसका अच्छा नेटवर्क आ रहा है, और इसको एक जगह फिक्स कर दो और अपना मल्टीपल डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट करके और आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। अब ऐसे बता दूं, अभी आपको ये सिर्फ मुंबई और दिल्ली लोकेशन पे ही आपको मिलेगा, हर अभी सिटी में अवेलेबल नहीं है। अभी दो जगह पे ही फिलहाल इसको लॉन्च किया गया है, दिल्ली में और मुंबई में। तो अगर आप दिल्ली और मुंबई में हो तो ही आप परचेज कर पाओगे। और दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी अप्रोक्सीमेट आपको 7,700 के समथिंग मिलेगा, जिसमें आपका जो है 6 महीने का प्लान रहेगा और 2,500 रुपए आपके रिफंडेबल रहेंगे जब आप इस डिवाइस को, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेना मुझे रिटर्न करना है, तो अगर आप इस डिवाइस को रिटर्न करते हो इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं रहता है तो जब आप इसे रिटर्न करोगे तो 2,500 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे, वो सिक्योरिटी के तौर पे आपको 2,500 रुपए लिए जाते हैं। बाकी हम अगर इसके बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो जो है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है Wi-Fi 6, और कंपनी का इसमें कहना है कि इसमें जो स्पीड है अच्छी स्पीड मिलेगी, 100 Mbps की स्पीड आपको मिल जाएगी, और एक साथ आप इसमें मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करके चला सकते हो, वो भी बिना किसी बफरिंग के। कोई आपको ऐसा नहीं है कि बफरिंग आपको होगी, बफरिंग की कोई जरूरत बफरिंग नहीं होगी, अच्छा खासा इंटरनेट आपका चलेगा। मैं ट्राई करके देख लिया है, अच्छा खासा चलता है, 3 डिवाइस मैंने कनेक्ट करके चलाई है तो अच्छा खासा नेट चलता भी है इसका। और इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी काफी अच्छी है, वाइड रेंज है, कवरेज इसका अच्छा है। वहीं अगर हम इसकी दोस्तों डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में आता है कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा साइज है। अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो अगर जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉम्पैक्ट साइज, छोटा साइज प्रेफर करते हैं, जैसा कि अभी इसका जो 4G जो डोंगल टाइप का आया था उसे लोग बहुत पसंद करते थे समथिंग, अगर ये ऐसा ही छोटा सा होता तो अच्छा रहता। दूसरी बात इसमें पावर सप्लाई का, इसमें कोई बैटरी बैकअप वगैरह नहीं दिया गया है। अगर इसमें बैटरी बैकअप होता जिससे कि थोड़ा चलता तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो दोस्तों वगैरह के साथ पार्टी करने के लिए निकल गए तो आप इसे अपने साथ लेके जा सकते हो, राइट। अगर लेके जाओगे और वहां पावर सप्लाई नहीं है तो आपको क्या बेनिफिट है, तो उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कंपनी अगर इसमें अगर पावर का भी थोड़ा वो देती, अगर बैटरी बैकअप का देती तो बहुत अच्छा रहता। इसकी जब दोस्तों हमने स्पीड चेक की तो स्पीड भी काफी अच्छी है, 130 के अप्रोक्सीमेट MBPS में इसकी स्पीड दिखा रहा था, और 3 डिवाइस कनेक्ट करने के बावजूद भी। तो जो ओवरऑल दोस्तों ये इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और इसके रिगार्डिंग आपको मैंने फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे आप दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।